हेलो के एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इस बार काफ़ी लेट हो गया, मतलब पूरा मंथ मैंने स्किप कर दिया, कोई वीडियो नहीं डाले, लेकिन उसका भी एक ठोस रीज़न था। और रीज़न ये था कि मुझे बुआ कहने वाला एक नन्हा सा एंजल इस दुनिया में आ चुका है। मैं बुआ बन चुकी हूँ और ये जो बुआ वाला फेज़ है मैं काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। मतलब पहले मासी में 2 बार बन चुकी हूँ, बुआ पहली बार बनी हूँ, तो ये जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है वो आप समझ सकते हैं। एक्चुअली मैं आना भी नहीं चाहती थी, मुझे वहीं रहना था, बट क्योंकि मेरे कज़िन की शादी आ रही है तो मुझे आउटफिट क्रिएट करने थे अपने लिए, तो इसीलिए मुझे फोर्सफुली आना पड़ा। बट अगर मुझे जॉय की याद आ गई जो कि मुझे आ रही है तो मैं उससे मिलने चली जाऊँगी और वीडियो और लेट हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इस बार मुझे कोई रिग्रेशन नहीं होगा यार, आफ्टर ऑल मैं बुआ बन गई हूँ तो ओके, तो बात करती हूँ मैं अपने वेडिंग गेस्ट आउटफिट की। कुल मिलाकर मुझे 4 आउटफिट क्रिएट करने हैं। एक रेडी हो चुका है, बस उसमें मुझे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। 3-4 आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक हल्दी का आउटफिट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो। तो पहले मैं इस साड़ी में से अपने आउटफिट को क्रिएट करने वाली थी। ये मेरी मम्मी की पुरानी साड़ी है, लेकिन मुझे ये काफ़ी प्लेन लगी, तो इसीलिए मैंने कुछ और ही परचेस करने का मन बनाया। पहले मैंने सोचा था मैं फैब्रिक ख़रीदूंगी, लेकिन मुझे जैसा फैब्रिक चाहिए था वैसा फैब्रिक मुझे मिला नहीं। बहुत ही घूमी मार्केट में, फिर मैंने सोचा ठीक है अगर कोई साड़ी मिल जाती है तो वो ख़रीद लेती हूँ। और 3 घंटे घूमने के बाद मुझे जाकर ये साड़ी मिली, और इस साड़ी की सबसे खास बात ये थी कि ये सिर्फ 220 रुपये की थी। दैट्स इट। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसीलिए मैंने सिंपल सी स्लीवलेस गेदर कुर्ती बनाने का मन बनाया, और इसके लिए मैंने टॉप पार्ट के बेसिक पैटर्न को कट कर लिया, और फिर मैंने उस बेसिक पैटर्न को साड़ी पे कट कर लिया। और फिर उसके बाद मुझे स्कर्ट की जितनी लेंथ चाहिए थी उससे मैंने नापा, साड़ी को 4 फोल्ड किया, और मैंने 4 पार्ट साड़ी के कट किए। तो साड़ी में जो फूलों की डिज़ाइन दी गई थी वो मुझे स्ट्रेट चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने इस ट्रिक को अपनाया। तो पहले मैंने साड़ी में से 4 पार्ट को कुछ इस तरीके से कट किया, फिर फूलों के डायरेक्शन को एक दूसरे से मिलाया, फिर 2-2 पार्ट को जॉइन कर लिया, जिससे एक अच्छा खासा घेर वाला स्कर्ट तैयार होगा। एंड येस, यू थिंक राइट, मुझे आ रही है जॉय की याद और मैं चली जॉय से मिलने। और फिर वहाँ 2 दिन रुकने के बाद मैं घर आ गई और काम पर लग गई। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती के टॉप के पार्ट को स्टिच करना स्टार्ट किया, एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पार्ट्स को स्टिच कर लिया। ये जो 1 हफ्ते की मेरी लाइफ थी वो काफ़ी हेक्टिक थी, मैं इतनी थक चुकी थी मेंटली भी और फिज़िकली भी, लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि मुझे वक्त से पहले आउटफिट को क्रिएट करना था। सबके आउटफिट क्रिएट हो चुके थे, सिर्फ मेरे ही आउटफिट बाकी थे, और टेंशन लेवल काफ़ी हाई थी। फिर उसके बाद मैंने स्कर्ट को क्रिएट किया, फिर उसे टॉप के पार्ट से कनेक्ट किया, बॉटम हेम्स को स्टिच किया, और साइड फिटिंग स्टिच लगाकर मैंने कुर्ती को कंप्लीट कर लिया। सो हल्दी का आउटफिट मैंने एकदम सिंपल ही क्रिएट किया है क्योंकि मुझे सिंपल ही आउटफिट चाहिए था, और ये वाले आउटफिट में मुझे जैकेट क्रिएट करना था क्योंकि दुपट्टा मुझे ओढ़ना नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मे बी शायद दुपट्टा जो आउटफिट का एक ग्रेस है वो छुपा देता है, बट मुझे मैचिंग फैब्रिक मिला नहीं तो इसीलिए मैंने बेल्ट ही क्रिएट कर दिया। बड़ा सिंपल सा मैंने बेल्ट क्रिएट किया है, पीछे कॉर्सेट वाली डोरी लगा दी है। आई एम सॉरी, बेल्ट को क्रिएट करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इसका शॉर्ट भी बनाना था, बट टेंशन में याद ही नहीं आया कि मुझे शॉर्ट क्रिएट करना था। बट ठीक है, तो कुछ इस तरीके का मैंने बेल्ट क्रिएट किया है। क्योंकि काफ़ी लंबी लेस बची थी तो दोनों ही तरफ मैंने लेस का इस्तेमाल कर दिया, और बीच में मैंने कैनवास डाल दिया है ताकि एक पकड़ मिल सके, एक वो कहते हैं कड़कपन मिल सके। तो हाँ, ये रहा बेल्ट। फाइनली 2 आउटफिट क्रिएट हो चुके हैं, अब बारी है 3रे की। तो इस आउटफिट को मैं वेडिंग डे पर पहनने वाली थी, तो उसके लिए मैंने 8 मीटर वेलवेट फैब्रिक को बाय किया जिसकी कीमत थी 200 रुपये पर मीटर और जो दुपट्टा था वो 250 रुपये मीटर था और दुपट्टे को मैंने 2.5 मीटर बाय किया। तो इस वाले लहंगे का जो स्कर्ट है उसे मैंने फुल सर्कल क्रिएट किया है, हाई वेस्टेड क्रिएट किया है। सो फैब्रिक की बात करूँ तो वेलवेट फैब्रिक काफ़ी भारी था, उसे हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था और मेरा टेंशन बढ़ता जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने अस्तर पर फुल सर्कल स्कर्ट को कट किया, फिर उसके बाद उसे वेलवेट पर कट किया। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इससे पहले मैंने कभी इतने हैवी फैब्रिक पर काम नहीं किया और इतने महंगे फैब्रिक पर भी काम नहीं किया और इतने सारे फैब्रिक पर भी मैंने काम नहीं किया, तो इसीलिए डर भी काफ़ी लग रहा था। तो सबसे पहले मैंने अस्तर पर सारे पार्ट को कट कर लिया, फिर अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर सारे पार्ट्स को कट कर लिया। क्योंकि फैब्रिक काफ़ी हैवी था और लहंगा भी काफ़ी हैवी बन रहा था तो काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जगह मुझे कम पड़ रही थी। तो इसके लिए मैंने अपना जो बेड था उसे साइड में कर लिया जिससे बहुत सारी स्पेस क्रिएट हो गई और मुझे काम करने में काफ़ी आसानी हो गई। सो मेरा हर एक आउटफिट ऐसे ही क्रिएट होता है, स्ट्रगल के साथ। फिर उसके बाद मैंने लाइनिंग वाले स्कर्ट के साथ मेन फैब्रिक को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इस लहंगे का जो कटिंग पार्ट था वो थोड़ा इजी था, बट जो स्टिचिंग वाला पार्ट था वो काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ था क्योंकि वो फैब्रिक इतना हैवी था और उसे उठाकर स्टिच करना मतलब मेरे बस के बाहर ही था और वो मुझे टेंशन ही दे रहा था। सो फाइनली मैंने स्कर्ट से बेल्ट को अटैच कर लिया और फिर मैंने लास्ट में फाइनल फिटिंग ट्राई की। सच में फाइनल लुक देखने के बाद जो अब तक की स्ट्रगल थी और जो थकान थी वो उतर गई। सो फाइनली मेरा जो लहंगा है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। ओके, सो फाइनली मैंने ब्लाउज़ को स्टिच कर लिया है। मैंने सिंपल सा बोट नेक बनाया है और फुल स्लीव्स की है, अभी इनविजिबल स्टिच करना बाकी है और हुकर आई भी करना बाकी है। दुपट्टे को भी मैंने हैम स्टिच कर दिया है और इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मैं सोच रही हूँ सिर्फ एंड में थोड़े टैसल लगा दूँ, लेकिन टाइम मिलेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने बेल्ट भी क्रिएट कर लिया है, मैं पहनूँगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्रिएट कर लिया है, बस हुकर आई लगाना बाकी है। एक्चुअली कल थोड़ी मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 27 को शादी है, हमें 25 को पहुंचना है और आज है 23। सो मेरे पास सिर्फ 2 दिन है और इस 2 दिन में मुझे एक मेरा पूरा लहंगा और मम्मी का ब्लाउज़ क्रिएट करना है और थोड़ी सी पैम्परिंग भी करनी है यार। सो इसीलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, रोना आ रहा था और मैं रोनी शक्ल शूट करना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए मैंने इस पार्ट को शूट नहीं किया। बट ठीक है, चलिए फटाफट से काम पे लग जाते हैं। अब बारी है आउटफिट नंबर 4 की। तो उसके लिए मैंने फ्लिपकार्ट से एक साड़ी को ऑर्डर किया था। काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि उससे पहले मैंने मीशो में से एक साड़ी मंगवाई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी और मैंने रिटर्न कर दी थी। बट ये वाली साड़ी काफ़ी खूबसूरत इसे हुई थी। वैसे मैं इसमें से कलियों वाला लहंगा क्रिएट करने वाली थी, बट क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, प्लेट वाला लहंगा ही क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने साड़ी को आयरन कर लिया क्योंकि लहंगा क्रिएट होने के बाद आयरन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर मैंने पल्लू और ब्लाउज पीस को साड़ी से अलग कर दिया। साड़ी सच में बहुत अच्छी थी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर लेना। फिर से जगह कम पड़ रही थी तो मैंने सेटअप कर लिया। फिर मुझे लहंगे की जो लेंथ चाहिए थी उसे मैंने मार्क कर लिया और ऊपर वाले पार्ट में जो लेस थी उसे कट कर लिया और उसके बाद मैंने लाइनिंग को साड़ी के साथ कनेक्ट कर लिया। तो जितना अस्तर था मैंने वो सारा यूज़ कर लिया और उसके बाद जितनी साड़ी बच रही थी मैंने उसे कट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने करीब 1 इंच के छोटे छोटे प्लेट्स क्रिएट कर लिए। यू डोंट बिलीव बट ट्रस्ट मी, मैंने 3 बार प्लेट्स को रिमूव किया और 3 बार उसे सेट किया जब तक कि वो मेरे कमर के नाप का नहीं हुआ। और फिर मैंने फाइनल लुक चेक किया और फिर बेल्ट को स्टिच कर लिया। सो फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आता है। एक्चुअली मैं कली वाला लहंगा ही चाहती थी, बट टाइम लिमिटेशन होने की वजह से मुझे ये प्लेट वाला लहंगा क्रिएट करना पड़ा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इट्स अ जुगाड़ टाइम, यस। जब आपके पास कोई आइडिया नहीं बचते तो जुगाड़ ऐसी चीज़ है जिससे आपका काम हो सकता है, और अभी मैं वही करने वाली हूँ। तो इस साड़ी से मैं जिस लहंगे को क्रिएट करने वाली हूँ उसका कोई मैचिंग दुपट्टा ही नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो साथ में बैठ ही नहीं रहे। तो बस यही मैं जुगाड़ करने वाली हूँ। तो मेरी मॉम की एक साड़ी है जिसका पल्लू इसके साथ बैठ रहा है, एग्जैक्टली कलर मैच नहीं हो रहा, लेकिन फ़र्क भी एक लाइक 5-10 का है तो चल जाएगा। बस प्रॉब्लम यह है कि वो पल्लू थोड़ा छोटा है, लेकिन उसका भी आइडिया मुझे आ चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले लेस को अलग करना पड़ेगा साड़ी से, फिर उस पल्लू को अलग करना पड़ेगा, फिर वो जुगाड़ अपनाना पड़ेगा। बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मम्मी मुझे वो लेस को अलग कर दे रही। तो जब तक मैं लहंगा क्रिएट कर रही थी, मम्मी ने साड़ी में से पल्लू को और लेस को अलग कर लिया और मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया। और ये जो बाकी का पार्ट बचा है उससे भी हम कुछ क्रिएट करेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। सो दुपट्टे की लेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने जो ब्लाउज पीस और पल्लू को साड़ी में से अलग कर लिया था, तो उसी में से मैंने पल्लू को अलग कर लिया और फिर उस पल्लू को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने उन दोनों पार्ट को दुपट्टे की दोनों साइड स्टिच कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फाइनल लेंथ चेक की, अच्छी खासी लेंथ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लेस को अटैच कर लिया और ये रहा दुपट्टे का फाइनल लुक। उम्मीद से कई ज़्यादा अच्छा दुपट्टा क्रिएट किया है, और जो पल्लू वाला पार्ट है वो एकदम मैच हो रहा है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और जो ब्लू लहंगे का ब्लाउज था वो बहुत ही अच्छा क्रिएट हुआ था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की और इसे भी मैंने बोट नेक क्रिएट कर लिया। वही सेम पैटर्न को यूज़ कर कर मैंने इस ब्लाउज़ को क्रिएट कर लिया। तो सिंपल सा बोट नेक क्रिएट किया है और पीछे की तरफ मैंने इस तरीके की राउंड डिज़ाइन क्रिएट की है, और पैड डालने के लिए मैंने पैड पॉकेट भी ऐड कर लिए है, जिसका वीडियो मेरी चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और गोल्ड फैब्रिक से मैंने पाइपिंग भी क्रिएट कर ली है ताकि ब्लाउज़ को थोड़ा हैवी वाला लुक मिल सके। फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, और मेरा जो सेटअप था वो मैंने वापस से पहले जैसा क्रिएट कर लिया है, और उस चक्कर में मैंने दीवार पर एक लकीर भी खींच ली। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं गुजराती हूँ, और हमारे गुजराती में संगीत की जगह गरबा नाइट्स होता है, तो बस इसीलिए मैंने इस लहंगे को क्रिएट किया था, क्योंकि मैं टिपिकल गुजराती लुक चाहती थी। बट उस दिन लाइटनिंग ठीक ना होने की वजह से अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए घर आकर मैंने स्पेशली वैसे ही तैयार होकर इस वीडियो को क्रिएट किया था। वेल लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर स्कर्ट की बात करूँ तो ये जो प्लेट वाला स्कर्ट मैंने बनाया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर इसकी जगह कलियों वाला लहंगा होता तो वो और ही अच्छा लुक देता, बट जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने इस प्लेट वाले लहंगे को क्रिएट किया था। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे कलियों वाले लहंगे में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो यही वो सारे वेडिंग गेस्ट आउटफिट है जिसे मैंने अलग अलग ओकेजन के लिए तैयार किया था। बट एक और आउटफिट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली उस दिन मेरा भाई था और उसने बहुत अच्छे खासे वीडियो बना कर दिए, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा उस वीडियो को शेयर करे बिना।